विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय दिव्यांग व्यक्तियों के मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट बनाए जाने को लेकर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हजारेश्वर मेला स्थित राजीव गांधी सभागार में किया गया, जहां स्वास्थ्य शिविर के पूर्व दिव्यांग जन का पंजीयन भी कैंप के माध्यम से किया गया। मगर विश्व दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगों के पंजीयन स्थल पर श्योपुर कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश के बाद भी कार्यक्रम में जिम्मेदारों की अनदेखी दिखाई दी, जहां शिविर में दिव्यांगों के लिए ना तो बैठने की व्यवस्था की गई थी और ना ही पंजीयन को लेकर कोई उचित व्यवस्था की गई। स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे दिव्यांगजन अपने पंजीयन की बारी का इंतजार करते हुए घंटों धूल मिट्टी में दिखाई दिए। वहीं व्यवस्थाओं के अभाव में रेंगटे घसीटते दिव्यांगजन शिविर स्थल पर पहुंचे, जहां शिविर में दिव्यांगजनों के लिए ट्राईसाइकिल तक की व्यवस्था नहीं की गई। इतना ही नहीं, विश्व विकलांग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की जानकारी दिव्यांगजन तक भी नहीं पहुंच पाई। दिव्यांगजनों को पंचायत स्तर से लाने ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जो कार्यक्रम में पहुंचे दिव्यांगजनों में काफी आक्रोश दिखाई दिया। आप कह रहे हो कि साहब इनको अंदर भेजिए, यहाँ लंबी लाइन लगी हुई है पंजीयन के लिए, यहाँ पंजीयन के लिए बैठे हुए हैं नीचे, यहाँ ना तो कुर्सी की व्यवस्था है ना कोई है, ये मिट्टी में बैठे हुए हैं, लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, ये कैसे पंजीयन कराएंगे? अंदर छाया में व्यवस्था जाने के बाद क्या अंदर इनका पंजीयन हो जाएगा? पंजीयन की व्यवस्था जो बाहर की गई है तो यहाँ व्यवस्था नहीं है, यहाँ क्यों व्यवस्था नहीं? जिनका पंजीयन नहीं होगा उनको अंदर जाके बैठ वहाँ बैठ के करेंगे पंजीयन, तो फिर अंदर अंदर ले जाने की क्या व्यवस्था है ये बताइए आप? अंदर ले जाने की क्या व्यवस्था है? यहाँ तक आ गया, जिनके साथ घर वाले आए हुए हैं ना वो लेके जाएंगे, और जिसके साथ अगर कोई नहीं है तो क्या व्यवस्था रहेगी ये बताइएगा? शासन ये कह रहा है कि बोला सारी व्यवस्था शासन ने कही है कि घर से लाने और ले जाने की सारी व्यवस्था है, लेकिन यहाँ करवाएंगे ना। सीताराम प्रजापति। सीताराम जी, आप दिव्यांग है? जी हाँ। दोनों किस लिए आए थे आप यहाँ पे? ये ट्राइसिकल के लिए कुछ मिल जाए तो उसके लिए आए, कुछ सुविधा मिल जाए, यानी शासन से आपको कोई सुविधा मिल जाए इसलिए आप यहाँ पे आए। क्या क्या स्थिति है यहाँ पे, क्या सुविधा है, क्या पंजीयन को लेकर के क्या कुछ हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप व्यवस्थाओं को? इन्होंने अनाउंसमेंट करा, शासन का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, हर साल विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है, तो किस लिए मनाया जाता है? विकलांगों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, जागरूकता के लिए, तो ये बातें तो हो रही है लेकिन काम में से दिख नहीं रहा। आप देखिए कितने दिव्यांग है लाइन में लगे हैं, मैं भी अंदर गया था और एक महिला बेचारी कहां से अपने बूढ़े पिताजी को लेकर खड़ी है, वो कह रही है भैया कहां से धक्का लग रहा है, गिर जाएंगे ये रुको, मतलब दिव्यांग का तो दिव्यांग भी इसी लाइन में। यानी आप ये कहना चाहेंगे कि पंजीयन को लेकर के दिव्यांगों के लिए कोई सही व्यवस्था नहीं है, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है? राजीव गांधी साहब गांधी जाकर बैठा दिया, अब वहां जाकर अंदर बैठ जाएगा तो पंजीयन क्या वहां चले जाएगा क्या? पंजीयन वो बैठे बैठे का पंजीयन हो जाएगा क्या? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पंजीयन को लेकर के जो बाहर व्यवस्था की गई है वो पंजीयन की नहीं, सारी व्यवस्था गड़बड़ा कुछ लग नहीं रहा, तो मेला जैसे लग रहा है, घूमो फिरो जाओ घर, ऐसा आपको महसूस हो रहा है? हर साल यही होता। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जो लोगों पे कोई सुनवाई नहीं है, या तो विकलांग दिवस मनाओ, मनाओ फिर ढंग से मनाओ, फिर बंद कर दो, काहे के लिए हमारे नाम पर ये? आप क्या कहना चाहेंगे? परेशान हो रहे हम, क्या कहें, बोलने के लिए क्या कहें? यानी आप ये कहना चाहते हैं कि विकलांगों की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, केवल मेला लगा दिया गया है? मेला लगा दिया, अभी कह रहे बीपीएल के लिए, यानी पहले ऐसा कोई नियम नहीं बताया गया कि आप बीपीएल लेकर आए, आप ये पंजीयन कर रहे हैं तो बीपीएल मांग रहे हैं आपसे? पत्र, आई प्रमाण पत्र, आधार कार्ड फोटो बोला था, अनाउंसमेंट में बीपीएल बोल दिया, अब विकलांग बीपीएल लेने कर जाएगा क्या? बात तो आपकी सही है बिल्कुल, विकलांग कोई नहीं क्या रहा है, अभी पे लेना 10 किलो, कोई 12 किलो, कोई 15 किलोमीटर से हम बोलते हैं तो फिर बोले के बोलते हैं, बोल किसके ले रहे हैं? विकलांगों के लिए, विकलांग के लिए बोल रहे हैं। मतलब आपका कहना ये है कि यहाँ जो व्यवस्था की गई है वो कोई मतलब की नहीं है, ये मामला गड़बड़ है। जिन गाँव में से आए हैं तो वहाँ से का सेक्रेटरी, सहायक सेक्रेटरी आपको लेके आए या आप खुद आए? यानी कोई व्यवस्था नहीं की गई पंचायत स्तर पर लाने ले जाने की, आपकी कोई व्यवस्था नहीं थी, आप अपनी तरफ से आए खुद चल के? हमारे लिए अहमदाबाद विकलांग भाइयों के लिए आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? दूर से आया हूँ बोधागढ़ से और इतना परेशान हूँ, और किसी ने कुछ खबर नहीं की कि भाई कि तुम्हें आज ये प्रोग्राम है, कि भाई तुम्हें जाना, कुछ भी नहीं है। यानी आपको कोई पता ही नहीं, आप दातरदा से आए और आपको दिव्यांग सम्मेलन की लेकर कोई जानकारी नहीं है, आपको सरपंच सचिव ने कोई अवगत नहीं कराया, लाने ले जाने की कोई व्यवस्था थी? कोई व्यवस्था नहीं थी, आप अपने हिसाब से यहाँ पे आए, कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे आके? कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं आते तो बढ़िया रहते, घर पे जैसे तैसे पड़े थे। विश्व विकलांग दिवस पर विकलांग मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां दिव्यांगों के पंजीयन करके उन्हें शासन की मूलभूत योजनाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन देखने में आ रहा है कि विकलांगों के लिए यहां समुचित व्यवस्थाएं नहीं दिखाई दे रही है। विकलांग मिट्टी में नीचे बैठे हुए हैं और पंजीयन की जगह पर काफी भीड़भाड़ है, ऐसी स्थिति में जो चलकर नहीं जा सकते दिव्यांग वो कैसे वहां पहुंचेंगे, और व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप?
मैं भी अभी यहाँ कर ही खड़ा हुआ हूँ और आपने जैसा बताया है तो व्यवस्थाओं के लिए मैं भी अभी जाकर देखूंगा। हम सब लोग मिलकर व्यवस्था करेंगे कि हमारे जो दिव्यांग भाई आए हैं उनको किसी प्रकार से परेशानी ना हो। यहाँ के जो प्रभारी बनाए वो प्रभारी अंदर आ गए, उनसे भी बात करते हैं, बैठने की समुचित व्यवस्था कराई जाएगी, उनको कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था हो, पीने का पानी हो और हमारे दिव्यांग भाई को किसी प्रकार से परेशानी नहीं हो, क्योंकि शासन की मंशा भी यही है। उनकी परेशानी दूर करने के लिए ही तो हम लोग उनको ट्राई साइकिल, जिसको हम बैटरी चलित साइकिल देने वाले हैं। और इसलिए जो समस्या है उस समस्या के संबंध में जो भी समस्या आपने बताई है, चाहे वो भीड़ को लेकर हो या उनके उनको वहाँ आने जाने को लेकर हो, हम ऐसी व्यवस्था मिलकर करेंगे कि उनको कोई भी दिक्कत नहीं आए। मेरा सब लोगों से आग्रह भी है कि हम जो लोग उनके साथ आए या जो लोग व्यवस्था में हैं, हम सब लोग मिलकर भी उनका सहयोग करें। जितना हम सहयोग शासन प्रशासन का करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनको अधिक लाभ दिलाएंगे, तो ऐसे सभी लोगों को लाभ दिलाने पर, जैसा हम कहते हैं कि ईश्वर बहुत कम लोगों को ऐसा काम देता है, जो ऐसे भाइयों की मदद करने का अवसर हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है, हम आज उनकी यहाँ ठीक प्रकार से मदद करेंगे ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए।